हेलो एवरीवन, आज हम लास्ट वीडियो में हमने फियर सफरिंग किया था। सो फियर सफरिंग से हम आज डिफ्रेंशिएट करेंगे फियर इंजरी ऑफ बीन इंजर्ड को और फियर ऑफ एन ऑडियल, जो कि आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये बहुत क्लोज कमिंग मेडिसिन है। और आप देखिए, बहुत माइन्यूट डिफरेंस से आपको समझ में पकड़ना आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करते हैं, इन सब रूब्रिक्स में आपको पकड़ने के लिए। तो फियर सफरिंग हमने देख लिया, एक ग्रेट डिस्कम्फर्ट होता है जहाँ पेशेंट को झेलना पड़ता है और वो झेलना पेशेंट को नहीं है, इसके लिए उसको डर होता है कि दवा दो ताकि वो आज मुझे झेलना ना पड़े। ठीक है, तो सफरिंग है, ING लगाए ना, तो ING मतलब सफरिंग नहीं करना है पेशेंट को, सफ़र नहीं करना है, बस आपको पकड़ के चलना है कि पेशेंट को सफरिंग झेलने का डर है। तो और हम जो रूब्रिक देख रहे हैं वो उसके साथ डिफ्रेंशिएट रूब्रिक है, फियर इंजरी ऑफ बीन इंजर्ड, मतलब पेशेंट ऑफ बीन इंजर्ड है ना। तो फियर तो हमने देखा था क्या है, फियर एक फ्यूचर कंडीशन है जो पेशेंट को आज नहीं कल नहीं, पेशेंट को फ्यूचर का डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है, इंजरी होने का डर लगता है। और एक तो इंजरी होने का डर है और होते ना रहे इंजरी, बीन है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ING लगा हुआ है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में जाने का भी डर है, मतलब बार बार इंजरी ना हो उसका भी डर रहता है। तो इस रूब्रिक का मतलब ये हुआ। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं पेशेंट बोलते कैसे इसको। लास्ट टाइम मैंने आपको एक रूटा का केस पोस्ट किया था जहाँ एक पेशेंट ने उसने जो अपने बेड है उसको वार्ड्स पूरे गले यहाँ तक यहाँ भरे थे, और पेशेंट ने बोला कि घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे कि दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है अब शेविंग करा ले, बट पेशेंट डिफाइन कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं करूँगा तो जो ब्लेड है वो मेरे वार्ड्स को काटते हुए निकलेंगे, काटेंगे तो ब्लड आएगा, दर्द होगा, वो इंजरी कर देंगे ना। तो इंजरी क्या है, इंजरी को पहले हम समझते हैं। इंजरी क्यों होता है, वो एक स्लाइट चेंज होता है, स्लाइट लॉस होता है, स्लाइट डैमेज होता है, जो कि टेम्प्ररी होता है। ठीक है, अब ये समझिए, टेम्प्ररी लॉस ऑफ समथिंग, टेम्प्ररी चेंज इन समथिंग और टेम्प्ररी डैमेज इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि रिपेरेबल है, जो कि हम उसको सम ट्रीटमेंट लेके, सम दवा लेके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इंजरी। इसको और अच्छे से समझते हैं इंजरी को। फॉर एग्जांपल, मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते चलाते मैं गिर गया। ठीक है, गिर गया तो मुझे क्या हो गया कि पैर पे चोट लग गई, ब्लड आ गया, कट हो गया, एब्रेशन आ गए, तो मैंने क्या किया, मलहम पट्टी किया, थोड़ा दवा खाया, मैं फिट हो गया, मैं ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, इंजरी थी, इंजरी का दवा किया, ठीक हो गया। तो सेम इंजरी जो होता है वो स्लाइट चेंज इन द बॉडी, स्लाइट डैमेज इन द बॉडी, स्लाइट लॉस इन द बॉडी, इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको रिपेरेबल है, जिसको हम सम ट्रीटमेंट लेके क्योर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंजरी। नॉट परमानेंट डैमेज ऑफ द सम बॉडी, इंजरी हम परमानेंट लॉस नहीं होता उसमें, टेम्प्ररी लॉस होता है, टेम्प्ररी सम चेंज होता है बॉडी के अंदर, टेम्प्ररी सम डैमेज होता है, जिसको हम बोलते हैं इंजरी। सो वार्ड्स वाले पेशेंट को क्या डर था कि वो कहीं ब्लेड चलाएगा और मेरे को काटते हुए निकलेगा, वार्ड्स तो कटेगा ही, कट जाएगा, ब्लीड होगा। ठीक है, तो इसको क्या था कि वो कटे ना, वो कटने का उसको डर था कि वो कटेगा तो फिर से वो इंजरी करेगा, और इंजरी क्या करेगा, फिर से और वार्ड्स लाएगा। तो इंजरी तो हुई और वार्ड्स आएगा, ये भी एक इंजरी है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस आ रहे ना, उसके वार्ड्स बढ़ रहे हैं, ये भी एक स्लाइट चेंज इन द बॉडी है। तो इंजरी तो हुई और इंजरी भी होगी उसको, तो उसको दोनों का डर था। तो फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड। सो सेकेंड एग्जाम्पल, एक मेरे पास वर्टिगो वाला पेशेंट आया, पिछले 4-5 महीने से उसको अचानक से चक्कर आता है और वो अपना कॉन्शियसनेस खो देता है। तो उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मैं ना बाइक चलाने से डरता हूँ, मैं कभी अचानक से चक्कर आ गया और चक्कर आके मैं कहीं गिर गया, मेरी हड्डी टूट गई और मैं कहीं लग गया, सर और पे मार लग गया, तो फिर क्या होगा, इसलिए मैं डर के मारे बाइक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मेरा कहीं अचानक से चक्कर आ गया, कॉन्शियस बैलेंस खो गया, तो मेरी कोई भी गाड़ी आके मेरे पे डैश कर सकती है, या फिर मुझे इंजरी कर सकती है, मुझे कुछ डैमेज कर सकती है। तो फिर ये क्या है, ये भी फियर ऑफ इंजरी है, पेशेंट इंजरी के डर से बाइक नहीं चला रहा है, तो ये भी फियर ऑफ इंजरी है। और थर्ड एग्जांपल और एक समझते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट मुझे बोला कि सर मैं बहुत कॉशियस रहता हूँ, मैं बहुत ध्यान से चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कहीं मुझे लग गया, कहीं कट हो गया, शेविंग भी करता हूँ तो मैं बहुत ध्यान से करता हूँ कि कट गया तो क्या होगा, कि फिर वो मुझे डर लगता है कि फिर वो हीलिंग नहीं होगा, जल्दी भरेगा नहीं, जल्दी फिर खून नहीं भरेगा, खून रुकेगा नहीं। तो यहाँ क्या है, पेशेंट को डर है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से हीलिंग स्लो होती है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है ना ये, और प्लस किस चीज़ का डर है, इंजरी ना हो जाए, इसके लिए वो कॉशियस है पहले से। तो हर चीज में आप देखोगे रूब्रिक्स एक के साथ एक जुड़े होते हैं। कॉशियस है क्यों, क्योंकि इंजरी ना हो जाए, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि कहीं इंजरी हो गई तो डायबिटिक की वजह से हीलिंग स्लो है, इसकी वजह से हीलिंग नहीं होगी। तो ये भी फियर ऑफ इंजरी है। तो इंजरी मतलब स्लाइट चेंज, स्लाइट लॉस और स्लाइट डैमेज,
इन सम पार्ट इन सम बॉडी बॉडी फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ इंजुरी. सो फियर दिस इज वेरी क्लियर ऑफ फियर इंजुरी. नाउ हम सेकेंड लेंगे फियर ऑफ एन ऑडियल. ऑडियल क्या है? आपको ऑडियल में पेशेंट का एक्सपीरियंस देखना है. एक पेशेंट मुझे आके बोला, डॉक्टर साहब लास्ट टाइम ये बैकएक का दर्द है मुझे, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इसको दवा दे दो, मुझे इसको बढ़ाना नहीं. डॉक्टर साहब मेरा लास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, ये बैकएक ने मुझे ना 20 दिन बिस्तर पे सुला दिया था. मेरे उसको याद करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, डॉक्टर साहब रोंगटे खड़े हो जाते, मैं इतना इतना डरा हुआ हूँ, वो दर्द मुझे नहीं चाहिए. वो जो एक्सपीरियंस था मेरा, जो मेरा जो पेन था, वो 20 दिन तक वो मैं ही जानती हूँ. प्लीज़ आप इसको ऐसी दवा दो कि मतलब ये मेरा वो कंडीशन में मुझे नहीं जाना. मुझे वो कंडीशन सोचते ही मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है. इतना डरावना तकलीफ था वो कि मैं बता नहीं सकती. तो यहाँ क्या है, ये ऑडियल है. ऑडियल मतलब एक हॉरर एक्सपीरियंस होता है, एक हॉरर और एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस पेशेंट कर चुका है अपनी लाइफ में, जहाँ उसको जाना नहीं है. जो एक एक्सपीरियंस से गुजर चुका है वो इतना खतरनाक है, रोंगटे खड़े कर देता है. उसको याद करते ही पेशेंट की सांसें फूलने लगती है कि यानी यार वो दर्द, डॉक्टर साहब वो दर्द बता नहीं सकता, आप पूछो ही मत वो दर्द के बारे में. मुझे तो वो दर्द, भगवान करे लाइफ में वो दर्द किसी को ना हो. मेरे जैसा मैंने वो दर्द झेला है वो मैं ही जानता हूँ, और कोई उस दर्द में कभी ना जाए, क्योंकि वो दर्द इतना बेकार था डॉक्टर साहब. तो ये क्या, ये सारे एक्सप्रेशन जो पेशेंट बताता है ना, ये ऑडियल के एक्सप्रेशन होते हैं. ऑडियल मतलब एक पेनफुल हॉरर एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के लिए. अग्नि परीक्षा होती है ऑडियल यार, उसमें गुजरना अपने को पता है उसका इम्पैक्ट क्या है माइंड में, पहली बार लास्ट टाइम क्या हो चुका है उसके साथ. तो इसलिए पेशेंट क्या होता है कि एक हॉरर एक्सपीरियंस के साथ आता है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसी दवा दो कि मुझे वो दर्द नहीं जाना. मुझे वो मैंने को बिस्तर पे 20 दिन 25 दिन जो मैं सोया था वो मैं ही बता सकता हूँ, वो दर्द सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, और कोई वो दर्द बयां नहीं कर सकता. वो मेरे लिए बहुत खतरनाक दर्द था. मेरा आज भी वो दर्द मेरे दिमाग में बैठा हुआ है. थोड़ा भी दर्द होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि कहीं मुझे वो वाला दर्द ना हो जाए, वैसा दर्द ना हो जाए जो 20 दिन तक मुझे बेड पर लिटा दिया था. तो ये क्या है, ये एक ऑडियल है जो पेशेंट को फील करता है और जो आपके सामने एक्सप्रेस करता है विद गेस्चर और एक्सप्रेशन के साथ. एक हॉरर एक्सपीरियंस पेशेंट बताता है, आपके सामने शेयर करता है. यहाँ कोई इंजुरी की बात नहीं होती, यहाँ एक एक्सपीरियंस उसके लाइफ में हुआ है जो कि डरावना एक्सपीरियंस है, जो एक हॉरर एक्सपीरियंस है. पेशेंट उससे डरता है, उस फेज में नहीं जाना है. सो दिस इज द ऑडियल. सो हमने तीन रूब्रिक देख लिया है. फियर सफरिंग, जहाँ पेशेंट को सफरिंग है, ING लगा हुआ है, पेशेंट को आगे सफ़र करने से पेशेंट को डर लगता है, झेलना नहीं है पेशेंट को, और इंजुरी का डर है, और पेशेंट को ऑडियल का डर है. ठीक है,